बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आखिर क्यों एक शब्द नहीं कहा, वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, बहुत निंदनीय घटना है। इसके साथ ही बता दें कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष को मिल रही धमकियों को लेकर कहा, सलीम राज को धमकी मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है, डॉक्टर सलीम राज की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु और अन्य लोगों को इस तरीके से जेल में डाला जा रहा है, मारा जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान बना हुआ हो भारत से टूट करके, चाहे वो बांग्लादेश बना हुआ हो। हिंदुओं की संख्या अनवरत कम हुई है, ये आंकड़े कहते हैं, ये परिस्थितियां कहती हैं, ये सब कुछ कहते हैं, फिर भी हमारे देश के कुछ लोगों को जो स्वयं को अनावश्यक सेकुलर कहते हैं उनको ये बात समझ नहीं आती है। एक पक्ष मरता रहे कटता रहे तो सब कुछ ठीक है, अगर वो अपक्ष अपनी बात कह दे तो गलत हो जाता है। जो धमकी मिली है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने शुचिता और शुद्धता के लिए के ऐसे मदरसों में भी, अगर जहाँ पर अराष्ट्रीय गतिविधियाँ कुछ हों, ऐसे स्थानों पर भी जहाँ पर धार्मिक के सिवा राजनीतिक गतिविधियाँ संचालित हों, उनको शुद्धिकरण के लिए उन्होंने प्रयास किया था। और अगर उनको धमकी मिल रही है तो उनकी अभी सुरक्षा है और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।